लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हमारे राजस्व मंत्री अग्रवाल जी, हमारा महिला विकास मंत्री अनिला भेंडिया जी और तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारा विधायक साथी, संसदीय सचिव, पत्रकार और गांव से पूरे देश से, छत्तीसगढ़ से आदिवासी समाज, सरगुजा, बस्तर सबको मैं बधाई देता हूं और साथ में छत्तीसगढ़ में ये पहला मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने जैसा मुख्यमंत्री बना। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, नेहरू गांधी परिवार बस्तर के बारे में हमेशा सोचता है और उसके नेतृत्व का सरकार को जो बागडोर संभाला भूपेश बघेल जी, बस्तर में करोड़ रुपये का जमीन, टाटा का जमीन आदिवासी को वापस करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज हमारा छत्तीसगढ़ बनकर 20 साल हुआ है। 15 साल में यह सरकार काबिज में था। हम लोग, हमारे आदिवासी लोग, सरगुजा बस्तर से, संपूर्ण छत्तीसगढ़ से सब लोग मांग कर रहे थे कि हमारा आदिवासी दिवस अंग्रेज का हुकूमत को वीर नारायण सिंह, हमारे बस्तर के गुंडा दूर बिरसा मुंडा, ये लड़ाई में आदिवासी लोग पीछे नहीं रहे। जहां जंगल है, जहां पहाड़ है, जहां नदी है, वो आदिवासी निवास करता है। लेकिन हमारा आदिवासी विश्व दिवस को हम लोग संपूर्ण बस्तर में मनाएंगे, छत्तीसगढ़ में पीरियम से मनाएंगे। गुरुजी, बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले, गाय चराने वाला, खेती करने वाले, हमको छुट्टी देना है। लेकिन 15 साल का सरकार ने हमारा एक भी नहीं सुना। मैं भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। बहुत 2018 में सरकार बना, 19 में विश्व दिवस को छत्तीसगढ़ में छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आदिवासी लोगों को जंगल जमीन का पट्टा, आदिवासी लोगों को मलेरिया मुक्त, बस्तर में जो भी योजना, बस्तर में अभी गोबर खरीदी, तेंदुपत्ता का रेट 15 साल में 2500 रुपया मिलता रहा, तेंदुपत्ता का रेट 4000 रुपया देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। टोरा हो चाहे मोवा हो, आदिवासी लोग जंगल में जीते हैं, जंगल के वन उपज में उसका बच्चे पढ़ाएंगे, उसका जीवन अर्पण करेंगे, उसका मूल घोषित करने वाला भूपेश बघेल का हिंदुस्तान का पहला सरकार है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर यही मांग करने, यही बोलने आया हूं। आज हमारा वीर नारायण सिंह के नाम से 26 करोड़ रुपया राजधानी में जो संग्रहालय के लिए घोषणा किया है, हमारे बस्तर में, हमारे बस्तर का विधायक और बस्तर के सर्व समाज, बस्तर संभाग में एक संग्रहालय का मांग हमारा विधायक लोग, बीस हजार प्रतिनिधि लोग मांग किया है, 6.5 करोड़ रुपया का घोषणा किया है। मैं बस्तर के लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ के आदिवासी तरफ से बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री को देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हमारे मुख्यमंत्री को एक ही मांग मेरा अधूरा बचा है, विश्व आदिवासी दिवस में मैं एक ही मांग करूंगा कि हमारा जो कुछ लोग निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है, उनको छोड़ा गया है, और कुछ लोग आधा से ज्यादा बचा है, उसको भी हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे विश्व आदिवासी दिवस से, आदिवासी लोग तरफ से जो बसे वाले आदिवासी लोगों को भी छुड़ाने का काम करे कि आदिवासी निर्दोष बंद पड़े हैं वर्षों से। तो इसे यही मांग करते हुए मेरे को यह बोलने का समय दिए और छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रिमंडल को और छत्तीसगढ़ का माननीय मुख्यमंत्री को, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी हमारे बस्तर के बारे में लोडीगुड़ा का जमीन वापस करने का काम जो किया है, इसलिए मैं पुनः बहुत बहुत मुख्यमंत्री को और पूरा मंत्रिमंडल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुढ़ा देव। धन्यवाद, धन्यवाद।
मुख्यमंत्री जी के संबोधन के पहले मैं शुभकामना देने के लिए डॉक्टर प्रेम। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।